हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो है भेंट मुलाकात के दौरान जो है मुख्यमंत्री जी से जो है CGTET जो एग्ज़ाम होता है उसकी मांग की गई। क्या मांग की गई, किस तरह से मांग की गई, और एक चीज़ CM ने जो है क्या कहा CGTET एग्ज़ाम के बारे में, तो ये सब चीज़ जो है हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और आगे देखिए तो क्या, देखिए इस आधार पर एक आकलन लगाया जा सकता है कि जो है CGTET होगा तो क्या होगा, शिक्षक भर्ती होगा। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है साथियों, अगर CGTET एग्ज़ाम होता है तो बहुत ही जल्दी जो है हमको एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, और एक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है चल ही रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है मुख्यमंत्री जी के को जो संवाद हुआ है, ठीक है ना, आप उसको जो है खुद ही देखिए और उन्होंने जो है CGTET एग्ज़ाम के बारे में क्या कहा है। देखो ऐसा है कि 98 के बाद पहली बार तो हम लोग, हमारी सरकार बनी तो सीधा भर्ती शिक्षकों के, नहीं पहले शिक्षा कर्मी थे, कितने आंदोलन होते थे, अब एक बार नहीं दो बार निकाले, एक बार 14,000 निकाले, इस समय 12,000 का निकाले, तो लगातार भर्तियां चल रही है, पहले भर्तियां नहीं होती थी, है ना सर। और CGTET के एग्जाम भी प्रतिवर्ष निकाले जाए, अब देखो ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने में, है ना, और कितनी अच्छी अच्छी बातें आप सबने की, सुझाव भी दिए, सवाल भी किए, उपलब्धियां भी बताई, और आप अपने सपने हैं, विचार हैं, उसको भी रखें, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरी बात देता ये है कि मुझे अन्य कार्यक्रमों में जाना है, वहां भी साथ ही इंतजार।